हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार थोड़ी सी वॉइस में प्रॉब्लम हो रही होगी क्योंकि मौसम बदल गया, तो तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी जिसका नाम है द पेल ब्लू आई। अभी आप लोगों ने कुछ हफ्ते पहले एक और नेटफ्लिक्स पर मूवी देखी थी ग्लास ऑनियन, वो भी एक मर्डर मिस्ट्री पे थी और ये भी एक मर्डर मिस्ट्री पर ही है, बट दोनों ही मूवी का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। खैर बात करेंगे द पेल ब्लू आई मूवी की। तो इसकी ओवरऑल लेंथ 2 घंटे की और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। मूवी का सबसे बड़ा यूएसपी है क्रिस्टियन बेल, यानी कि इसका जो लीड एक्टर है उसका परफॉर्मेंस तो भाई आप किसी भी मूवी में निकाल के देख लो, ये एक अलग ही लेवल पे जाता है। बट ये मूवी देखने लायक है या नहीं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मूवी की कहानी बेस्ड एक नॉवल पे जो कि 2003 में लॉन्च हुई थी। फिर कहानी फोकस करती 1830 में, जहां पर हमें यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री एकेडमी नजर आती है। अभी इस एकेडमी का एक यंग कैडेट सुसाइड कर लेता है, यानी कि वो फांसी लगा लेता है। कहानी में ट्विस्ट ऑफ आता है जब एकेडमी वालों को पता चलता है कि इस यंग कैडेट का किसी ने दिल निकाल लिया है। तो अब ऐसे में एंट्री होती है एक डिटेक्टिव जिसका रोल यहाँ पर क्रिस्टन बेल ने प्ले किया है, उनका नाम है अगस्टस लैंडोर। अगस्टस की वाइफ मर चुकी है, बेटी मिसिंग है और बदनाम इसलिए है कि ये शराब बहुत पीते, लेकिन इनकी तारीफ इसलिए कि ये केसेस को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। तो अब ऐसे में अगस्टस इस यंग कैडेट के केस को किस तरह से सॉल्व करेगा, कैसे वो मिस्ट्री में आप पूरी तरह से खो जाओगे, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये मूवी के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा कि स्टार्टिंग अच्छी है और इसकी मूवी के 1 घंटे 40 मिनट के बाद वो जो बड़ा ट्विस्ट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन बीच में ये मूवी डेड हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मार देती है, लेकिन वो ऐसा 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 वाला मोमेंट है कि कभी बहुत एक इंटरेस्ट हो जाता है कभी पूरी तरह से। तो इस हिसाब से ये मूवी सब लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। मूवी में अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो 2 मेन कैरेक्टर है, एक तो अगस्टस लैंडोर और दूसरा एक यंग कैडेट एडगर जिसको पोएम बहुत पसंद होती है। तो इन दोनों कैरेक्टर्स को ऐसा लिखा है जो आपको पूरी मूवी में बांध के रखते हैं। मूवी की सिनेमेटोग्राफी इसकी जान है। 1830 के उस एरा को यहाँ पर कैमरामैन ने जिस तरह से पर्दे पर लाया है वो आपको टेलीपोर्ट कर देता है 1830 में। उसके अलावा कॉस्ट्यूम्स, आर्ट डायरेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक सब एकदम टॉप नॉच है। बट कहीं ना कहीं कहानी और द वे ऑफ टेलिंग स्टोरी में ये मूवी थोड़ा सा पीछे रह जाती है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ ये मूवी सब लोगों के लिए कतई नहीं है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो क्रिस्टन बेल क्या परफॉर्मेंस की है, मतलब अपने कैरेक्टर को इस तरह से निभाते कि ऑडियंस ये भूल जाती है कि हम लोग स्क्रीन पर क्रिस्टन बेल को देख रहे हैं। ऑडियंस को लगता है कि वो जिस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं हम उनको देख रहे हैं। और यहाँ पर भी जो अगस्टस लैंडोर का जो मैनरिज्म है, जिस तरीके से वो देखता है बात करता है, वो ठहराव वो हम क्रिस्टन बेल में साफ नजर आता है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। लेकिन उसके साथ जिसने एडगर का रोल प्ले किया उस एक्टर का परफॉर्मेंस भी बहुत ही लाजवाब है। एंड दूसरे जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं उन लोगों ने भी अपने हिस्से के रोल को अच्छी तरह से किया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डायरेक्टर के पास कहानी में कुछ उतना दम नहीं था, तो वो एक्टर्स लोग भी क्या करेंगे। तो ओवरऑल ये मूवी देखना तो देखो आपकी मर्जी है, मैं क्या बोलूँ, वो इतनी भी बेस्ट लेवल वाली मूवी नहीं है, बट फिर भी जिसको इस तरीके की स्लो मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी पसंद है उसके लिए अच्छा वन टाइम वॉच है। पेरेंटल गाइडेंस इतना बोलूँगा एज ऑफ अश्लील कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, तो आप घर पे बैठ के देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन दुआ करो कि आता बैठ ठीक हो जाए।